सरकारी दहशत गर्दी को बंद करो, बंद करो। मजलूमों पे जुल्म को बंद करो, बंद करो। हम करेंगे इसका फैसला, हम करेंगे। नारा नारा 35 एके मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। तकबीर अल्लाह अकबर। जो हमसे टकराएगा दूर दूर जाएगा। देखिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर में और खसूसन कश्मीर में रियासत हुकूमत की तरफ से, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से एक गिरफ्तारियों का माहौल बना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ आज और उसके बाद जो जमात इस्लामी, जो एक दीनी तंजीम है, एक फलाई इदारा है, और जिसके काफ़ी सकूल यहाँ चल रहे हैं और जिनके सिर्फ फलाई काम हैं और जो सोशल काम कर रहे हैं, उस पर बैन लगाने की बात है। उसके हवाले से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक एहतजाज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो 35A के साथ आए दिन मुख्तलिफ बातें मरकज़ी सरकार, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, उनकी तरफ से बातें होती रहती हैं कि इस दफ़ा को जाना चाहिए, ये दफ़ा नहीं रहना चाहिए। ये हमारी एक पहचान है, ये रियासत जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होए। या जमात इस्लामी एक दीनी तंजीम है, ये हमारे दीन के साथ वाबस्ता है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दीन के साथ मुदाखलत की जाए और वो भी हुकूमत या हिंदुस्तान की हुकूमत यहाँ पे करे। और उसके साथ साथ में जो हमारे लीडरान को बंद किया गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिसमें छोटे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें लातादाद गिरफ्तारियाँ की गई हैं, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और एक पुरमन एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते रहेंगे, चाहे हड़ताल की वजह से, जैसे हमने आज हड़ताल की कॉल पूरे कश्मीर में दी है, चाहे वो हड़ताल की कॉल हो या दीगर इसी तरह के पुरमन एहतजाज हों, ये जारी सारी रहेंगे तब तक जब तक कि ये बैन और 35A के साथ छेड़छाड़ का जो बातें हो रही हैं बंद नहीं किया जाएगा। और हम समझने से कासिर हैं कि ये आज ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, इसकी क्या वजह है, क्या ये कहीं हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं उसी वजह से हो रही हैं, ये जो हिंदुस्तान में BJP की सरकार है ये अपने लोगों को खुश करने के लिए हमें तख्त तैयार कर रही है, हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें यहाँ पे एक बाजार गर्म किया गया है गिरफ्तारियों का, क्या ये वही वजह है।